इस हाथ की हम डिटेल से रीडिंग करेंगे। दिखने में आपको हाथ अच्छा लग रहा होगा, मगर जब लेनू को डीप स्टडी करते हैं तो इस हाथ में बहुत सारी हमें खामियाँ, कुताइयाँ और बैड डिसीजन नज़र आएंगे। इस हाथ में हम देखते हैं तो देखें थंब की बलाई पूर देखते हैं तो हमें अच्छी दिख रही है जी, डिटर्मिनेशन अच्छा है, नो डाउट डिटर्मिनेशन अच्छा होगा, बेहतरीन है। उसके बाद आ जाते हैं जी विजन पे। विजन देखते हैं तो देखें मुकम्मल ओडनाई ब्रेक है, इधर से दो शाखों में है, बीच में छोटी शाखें हैं तो विजन नहीं होता है, बहुत ही लो विजन के मालिक होते हैं, जजमेंट बहुत ही ख़राब होती है, लोगों को जज नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग डिसीजन भी कर जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम लाइन, ये वाली चीज़ें देखें जहाँ पे ब्रेक हैं और साथ ही ये आर्गूमेंट में भी नहीं है, हैपर हो जाते हैं ये आर्गूमेंट में। कौन सी लाइन्स बताती हैं कि जी हैपर होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं इस जगह। जब भी आपकी हार्ट लाइन की तरफ से इस तरह लाइनें निकली हों तो ये लोग आर्गुमेंट में इमोशनल हो के रिएक्ट करके बहुत सारे काम ख़राब कर लेते हैं, ये बैड लाइन्स हैं। एक लाइन जहाँ ऐसी हो तो ये कर्व सुलेमानी गिनी जाती है, मगर नहीं, जब हार्ट लाइन से इस तरह लाइनें आती हैं तो ये बैड लाइन्स गिनी जाती हैं, इमोशनल हो के रिएक्ट करना, तल्लक रिलेशन ख़राब कर लेना, और ये लॉन्ग टर्म में इनको बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद फैमिली बांड पे आएँ तो फैमिली रिंग देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरह करके हों तो अच्छे होते हैं, मगर जहाँ देखते हैं तो आपको ये लाइंस साइड बाय साइड क्रॉस करती नज़र आ रही हैं, ये वाली चीज़ें। फैमिली बांड मजबूत नहीं होता, लो होता है, फैमिली रिलेशन तलकात अच्छे नहीं, ये सिर्फ फैमिली साथ नहीं होता, दोस्तों वगैरह में भी मामलात में खराबियाँ आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस देखते हैं तो देखें आगे फ्यूचर में देखते हैं तो दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अवेल करेंगे नहीं करेंगे वो लक लाइन पे देखेंगे, मगर दो लाइंस अपॉर्चुनिटीज़ की अभी हाल की कड़ी रहती हैं, अल्लाह खैर करे। अब हम क्योंकि इसका हाथ मैंने देखा है तो ये चीज़ बता रहे हैं कि दो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएँगी, अवेल करेंगे तो अच्छी रहेंगी। अगर ख्वाहिशात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी की सारी ख्वाहिशात की लाइंस हैं, बड़ी ही अच्छी और स्ट्रांग ख्वाहिशात की लाइंस हैं, मगर इनकी तकमील भी ज़रूरी है। ख्वाहिशात हज़ारों भी हों अगर उन पे अमल नहीं कर पाते, हम अपने एक्शंस नहीं शो कर पाते, प्रैक्टिकली नहीं हो पाते, तो इन लाइंस का कोई फ़ायदा नहीं, ये फजूल लाइंस हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लाइफ लाइन पे, तो लाइफ लाइन देखते हैं तो देखें एक स्ट्रांग मजबूत लाइफ लाइन है, अच्छी है लाइफ लाइन, ऑलमोस्ट हेल्दी अच्छी लाइफ लाइन रहेगी। उसके बाद लाइफ लाइन आके देखते हैं तो देखें इस लाइफ लाइन के एंड पे ये आई और यहाँ पे जजीरा आ गया, यानी कि जो लाइन आके सेकंड चेंजिंग वाली बनी उस पर जजीरा आ गया। जब भी आपकी लाइफ लाइन दो शाखा हो तो ये अच्छी गिनी जाती है, मगर जब दूसरी शाख पे जजीरा आ जाए, कट आ जाए, लाइनें ख़राब हो जाएं तो वो डिसीजन अच्छा नहीं रहता, यानी कि अगर ट्रैवलिंग करेंगे भी तो कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं होना, अगर अपनी जहाँ बर्थ प्लेस है वहाँ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखते हैं आ गए सेफ्टी लाइन शुरू में बनी हुई है तो कोई लाइफ रिस्क नहीं है। उसके बाद दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर कह देते हैं कि जी लाइफ लाइन पर ट्राई एंगल हो तो अच्छी है, देखें लाइफ लाइन पर ट्राई एंगल तब भी अच्छी है जब ये इंडिपेंडेंट ट्राई एंगल, जब भी इस ट्राई एंगल से लाइंस निकल के इस तरह लक लाइन को कट कर जाएं, ये लक लाइन है इसको कट कर जाएं तो ये अच्छी नहीं, ये बैड लाइन्स होती हैं, ये लोग मसाइल का शिकार होते हैं, बच जाते हैं क्योंकि ट्राई एंगल बचने का साइन होता है, मगर मसाइल काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये फिनंशियल क्राइसिस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मगर ब्रेन लाइन पे, ब्रेन लाइन देखते हैं तो लाइफ लाइन से निकला है और माउंट मून की तरफ जा रहा है, आपको वाजे लाइन नज़र आ रही है कि ये ब्रेन लाइफ लाइन से निकल के माउंट मून पे, ये माउंट मून का एरिया है, माउंट मून पे आई और माउंट मून पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि लक लाइन से मिल रही हैं, ये वाली, और यहाँ पे लक लाइन हम देखते हैं तो जहाँ जिस जगह ये मिल रही हैं यहाँ पे लक लाइन पे आपको ये क्रॉस नज़र आ रहा है। ये जितनी ट्रैवल लाइंस हैं सब की वक़्त इस क्रॉस ने डेड करके रख दी, यानी कि ट्रैवल बेफायदा रहती है, कोई फ़ायदे नहीं देती है। वो चीज़ें कहाँ आ गई, वो हमारे आ गया विजन, यानी कि गलत डिसीजन कर लेना, इमोशनल रिएक्शन कर लेना, तलकात ख़राब कर लेना,
وہ چیز یہاں پہ آ کے, مگر یہ ہوتی ہے ارلی ایج میں 25-30 سال تک, مگر وہی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی بیس تو خراب کر جاتی ہیں. اس لیے زندگی کے انیشل ایئرز میں 30-35 سال تک ڈسیزن اچھے لینا لائف میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں یہاں سے یہ ہماری سن لک لائن نکلی اوپر کو جا رہی ہے. لک لائن جب آتی ہے لائف لائن پہ 35 پہ, اس سے پہلے یہ ٹرائی اینگل اور اس کے یہ جو بیڈ سائنز ہیں یہ لک لائن کو کراس کر رہے ہیں, یعنی کہ سٹیبلیٹی نہیں نظر ہوتی ہے, نظر آ رہی. اس کے بعد آنورڈ دیکھتے ہیں تو دیکھیں 37 میں آ کے اچھی خاصی جہاں پہ ایک پرابلم کریٹ ہو گئی, ٹینشن لائن آئی, ساتھ ہی برین پہ ٹرائی اینگل بنا دی, بیڈ ڈسیزن کی بدولت رقم سٹک ہو جانا, نقصان ہو جانا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ مربع آ گیا, پھر اس کے بعد کوشش کی سیف انویسٹمنٹ کی, سیف کھیلنے کی, مگر پھر ٹینشن لائن آ گئی. اس کے بعد ٹینشن لائن آ گئی, پھر سائڈ بائی سائڈ دو کام کرنے کی کوشش کی تو دیکھیں 44 پہ ٹینشن لائن آ گئی. اس کے بعد اب آگے دیکھیں, آگے پھر یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ سٹرگل نہیں کر رہا, لائف میں سٹرگل جاری ہے, مگر اس کے بعد یہ لائنز آ رہی ہیں یہ والی, اور اینڈ پہ اس کو لائن کراس کر رہی ہے یہ والی. یہ جو اینڈ پہ لائن کراس کر رہی ہے یہ بیڈ لائن ہے یہ والی. ابھی دیکھیں یہ 50 کے اراؤنڈ بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, کرائسس کا شکار ہوتے ہیں, مگر ایک چیز یہاں ذہن میں ہمیں رکھنی ہے کہ ہماری ابھی یہ والی دو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اور یہاں تک ہم نے لائف میں کھویا یا پایا کچھ نہیں ہے. تو آگے اگر ڈسیزن اچھے لے جائیں, ان اپرچونیٹیز کو اچھا اویل کر جائیں, تو آگے ہماری لک لائن زیادہ سور سے شو کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہاں سے سن لائن بھی اچھی شو رہی ہے, یعنی کہ ریپوٹیشن اچھی ہو سکتی ہے, ایک ورتھ بن سکتی ہے, معاملات میں اچھا ہو سکتا ہے, مگر اس کے لیے ڈسیزن میکنگ بہت ضروری ہے. جو بھی اپرچونیٹیز اویل کریں بڑی ڈسکس کر کے, ڈیٹیل سے ڈسکس کر کے ان کو وہ اپرچونیٹی اویل کرنی چاہیے. ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو سن لائن, اکثر دیکھیں یہ سن لائنز کی لائنیں جا رہی ہیں, مگر سن لائن لائنیں جا رہی ہیں, ٹرائی اینگل بھی بنا رہی ہیں, مگر یہ جو ٹینشن لائنز یہ ریڈ کلر کی میں ڈرا کی ہیں, یہ 50 تک بالکل نہیں اٹھنے دے رہی. 50-51 کے اراؤنڈ جا کے ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہارٹ لائن دیکھیں تو ہارٹ لائن دل کا اچھا ہے, بندہ ماڑا نہیں ہے, مگر یہ والی جو ایموشنل ریئیکشن وہ چیزیں ہیں وہ خرابی لائف میں شروع سے ہی پیدا کر دی انہوں نے, جو کہ لیٹر آن لائف میں چلتی رہی. اب آن ورڈ اگر اچھا ڈسیزن لیا جائے تو بالکل بہتری اور سٹیبلیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ آئے گی بھی, کیونکہ آگے دو جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لائف میں اس کو اچھی اویل کرے گا, اور ان کی بدولت اللہ خیر کرے سٹیبلیٹی آئے گی. باقی دیکھیں یہ لائنز کے مطابق ریڈنگ ہوتی ہے, کیا ہونا کیا کرنا یہ آبزرویشنز ہوتی ہیں, باقی کرنا نہ کرنا جو ہونا ہے وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے تجربے بیس پہ, آبزرویشن بیس پہ ریڈنگ کرتے ہیں.